नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुखतबा ब्रिज पे। दोस्तों कल मैंने आपको वीडियो डाला था यहाँ का, देखा होगा आपने इसका तांडव। सुखतबा नदी का पुल के ऊपर से पानी जा रहा था, पूरा कचरा फंसा हुआ था, वो साइड से थोड़ा रोड को भी डैमेज हुआ था। तो आज मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज तो पानी बिल्कुल ही डाउन हो चुका है। सो ये देखिए दोस्तों, नज़दीक से हल्का फुल्का कचरा अभी भी फंसा हुआ है। ये ही कचरा है जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हुआ है। देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जहां पर शटरिंग लगा है ना, वो सामने उसके लेवल के ऊपर था पानी। ये ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था कल। तो मेरे भाई, कुछ भाइयों ने बोला है भाई इसका वीडियो दोबारा से डालें जब पानी उतर जाएगा। तो पानी आज उतर चुका है, सिर्फ हल्का फुल्का ही पानी चल रहा है। तो अभी जो थोड़ा बहुत कचरा दोस्तों, उसको भी साफ करेंगे हम। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, कचरा कितना जो बह के आया है, वो जो सुखतबा ब्रिज का जो मलबा गिरा हुआ है, वो ब्रिज जो उसका उसमें भी कितना कचरा फंसा हुआ है। ये साइड में भी देख सकते हैं अपना, जो शटरिंग लगा हुआ था, ये स्टेजिंग लगा हुआ है, इसको भी कितना, ये देखिए कचरा, ये कचरे की वजह से पूरा ये कल डैमेज हुआ था। उस कचरा इधर फंस गया, देखिए। ये देख सकते हैं आप, सुखतबा ब्रिज जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसी का मलबा पड़ा हुआ है पूरा। ये वो साइड अपनी शटरिंग लगी है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई दोस्तों। देख सकते हैं आप, उसके ऊपर से पानी जा रहा था, किसी भी प्लेट को कोई डैमेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बहा नहीं कुछ अपना मेटेरियल, ये अच्छा था सबसे। इधर से आप देख सकते हैं ये व्यू ब्रिज का, इतने पैप डालने के बाद भी दोस्तों पानी ब्रिज के ऊपर से चला गया, ये कचरे की वजह से। अगर ये कचरा दोस्तों नहीं फंसता तो पानी ब्रिज के ऊपर से नहीं जाता। अभी मैं दोस्तों लेके चलता हूँ आपको वो साइड में, दिखाता हूँ आपको जो हमने कल वो स्टोन पिचिंग किया है, ऊपर कंक्रीट डाल दिया, उसके अच्छा फिक्स कर दिया। अभी कितना भी बारिश है, भी बारिश आने दो, उसको डैमेज नहीं होएगा। तो भाई ये देख सकते हैं आप, जिधर से डैमेज हुआ था हमारा रोड, उधर हमने स्टोन पिचिंग करके और बीच में इसमें कॉन्क्रीट डाल दिया है। तो अभी ये क्या जिंदगी भर नहीं हिल पाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये साइड से क्या यहाँ से थोड़ा डैमेज हुआ था, ये जो इतनी जगह है वो क्या पानी का बहाव ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा कट गया, और इधर से ऊपर से भी पानी आ रहा था जिसकी कारण ये ज़्यादा कटा था। तो अभी हमने क्या पूरे अंदर पिचिंग करके, स्टोन पिचिंग करके और कंक्रीट बीच में डाल दिया है। ये देख सकते, ऐसा ही दूसरी साइड में किया दोस्तों, वो साइड में आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ भी इलेक्ट्रिक वाले काम कर रहे हैं, अपना उसका पोल है वहाँ पर, देख सकते हैं आप वो साइड में भी। तो ये ऊपर का व्यू है दोस्तों, ये देख सकते हैं ऊपर का जो कचरा है हम साइड में डाल रहे हैं, डाल दिया लगभग, तो क्लियर कर ही दिया है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा वो लेबर से कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।